और वही दिनेशपुर क्षेत्र के बाता साहिब गुरुद्वारा के बाबा और कार सेवा के द्वारा रोड पर बड़े बड़े गड्ढों को भरना शुरू कर दिया गया है। दरअसल दो सालों से सड़क पर गड्ढों के कारण कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय जनता, छात्र छात्राएं और कई बार विभाग के अधिकारियों से मिले और कई बार शिकायत के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं की सुध नहीं ले रहा था, जिसके बाद गुरुद्वारा कार सेवा द्वारा गड्ढे भरने का काम खुद ही शुरू कर दिया गया। आपको बताते चले कि 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार ने गदरपुर से लेकर मठ कोटा मार्ग लगभग 75 करोड़ से बनना था, परंतु बनने के एक बरस बाद ही रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दिनेशपुर गुरुद्वारा कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जनता के सहयोग से, सभी के सहयोग से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनहित को समझते हुए जो दिनेशपुर के और गदरपुर के बीच में जो मार्ग है, जो 2016 में माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल के दौरान इस सड़क का निर्माण हुआ था, तो बीच बीच में जो गड्ढे हो गए हैं उसकी SIT की जांच के लिए माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी कार्यालय में फाइल पहुंचवा दी है। मुख्यमंत्री जी को काफ़ी व्यस्तताएं होने के कारण उस फाइल की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाए हैं, लेकिन जल्द ही उस पर SIT की जांच बैठेगी। और जहां एक और प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारी में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर पाबो ब्लॉक की मरोड़ा गांव के ग्रामीणों ने इस बार पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि जिला प्रशासन ने बिना उनको संज्ञान में लिए उनकी ग्राम पंचायत को दूसरे ब्लॉक में मर्ज कर दिया है। उनके ग्राम सभी पहले पाबो ब्लॉक में शामिल थी, जिसको अब ब्लॉक खिरसू में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसका ग्रामीण पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनको यथावत पाबो ब्लॉक में ही रखा जाए। सर की जो है हमको जो है जबरदस्ती, हम पहले विकास खंड पाबो से हम लोग बिलोंग करते हैं और विकास खंड पाबो ही हमारे लिए जो है सुटेबल है, हमारे लिए उचित है, और अब जबरदस्ती हमको बिना पूछे हुए, बिना गांव के लोगों को जो है संज्ञान में लेते हुए, बिना इसके किए हुए और हमको जो है खिरसू ब्लॉक में डाल दिया गया है, जबकि हमारे लिए जो है और पूरी जो हमारी न्याय पंचायत है वो इतनी 25 किलोमीटर बड़ी हो गई और हमको अब हमारे जो एक किसान भाई लोग हैं एक बीज के लिए भी इनको जो है 25-30 किलोमीटर वहाँ पोखरी जाना पड़ेगा। और सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए प्रतिष्ठित मां नंदा और सुनंदा देवी की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही है। मूर्ति बनाने में केले के पेड़, बांस, प्राकृतिक रंग और घास, रुई और कपड़े समेत अन्य पर्यावरण प्रिय वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। गुरुवार देर रात ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद नंदा सुनंदा की मूर्तियों को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय मेले में मंदिर समेत झील से लगे हुए 5 स्थानों में पंच आरती के साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। इस महोत्सव को सन 1925 में लाला मोतीलाल शाह ने शुरू कराया था, जिसके बाद से इसे राम सेवक सभा द्वारा संचालित किया जा रहा है। नैना देवी परिसर में होने वाले महोत्सव में देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबसे पहले तो इतनी भव्यता के साथ मूर्ति बनाए, इसमें हम लोग सब इको फ्रेंडली, जो भी सामान यूज करते हैं इसमें इको फ्रेंडली, जो हम रंग यूज करते हैं, पहले तो पतली ड्रेस आता है, कॉटन यूज करते हैं, सब इकोले जाते हैं, हम कल्ले वृक्ष का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ उसके जो बैम्बूज होते हैं, बैम्बू स्टिक का यूज किया जाता है इसके बेस को स्ट्रक्चर को, उसके साथ उसमें कॉटन भी यूज होता है जो हार्मफुल नहीं है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित पोषण अभियान के तहत SDM AP वाजपेयी ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण माह की शपथ दिलाई और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अंतर्गत बाजपुरा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने पूरे शहर में हाथ में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लेकर शहर में जागरूकता अभियान रैली निकाली। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का संदेश था कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाएंगे। साथ ही उनका यह कहना था कि इस आंदोलन से हमारे भारतीय भाई बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। और
कुपोषण मुक्त करना है, अपने समाज को, अपने देश को। सबसे पहले हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने भाजपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, हर गांव से स्टार्ट कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र हमारे हर गांव में है, तो हमने एक मुहिम से छेड़ी है। आज हमने हस्ताक्षर अभियान करके भी एक जागरूक किया है, पोषाहार बताया है। पोषाहार बांटने समय जो भी महिलाएं हमारे केंद्र में आई हैं पोषाहार लेने के लिए, हम उन्होंने एक शपथ के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और परिवहन विभाग से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि 3 माह का वेतन मिलने और एस्मा लगाए जाने से नाराज परिवहन कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, तो वही हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद परिवहन विभाग से वेतन न दिए जाने का कारण भी पूछा और 12 सितंबर तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने यह बताया है कि सरकार ने निगम का 45 करोड़ रुपया बकाया देना है और वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा भी निगम को 800 करोड़ रुपया देना है। अगर सरकार और निगम इनको वसूले तो यूनियन और निगम की सारी समस्याएं धनराशि से ही सुलझ जाएंगी। यह मामला रोडवेज कर्मचारी एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तराखंड रोडवेज का जब गठन हुआ तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा ये आदेश किया गया था कि जो परिसंपत्तियां हैं उनका बंटवारा होगा और लगभग 800 करोड़ रुपए की जो देय हैं वो उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन देगा। माननीय न्यायालय के समक्ष ये लाया गया और जिसको रोडवेज के वकील ने भी स्वीकार किया कि यहाँ 3 महीने से इनका पैसा नहीं मिला है और कारण बताया। जैसे हमने भी कहा था कि इलीगल ऑपरेशन हो रहा है, उसको राज्य सरकार द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे रोकने के लिए, जिससे रोडवेज घाटे में जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि ये सारे तथ्य जो है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एफिडेविट से फाइल करे और ये बताए कि इनका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। और छात्रों के बेहतर भविष्य और शिक्षा को लेकर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के साथ ही जिले के 115 अधिकारियों ने प्राथमिक विद्यालयों को गोद लिया है। ये अधिकारी हफ्ते में एक दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और एक गरीब छात्रों की हर संभव मदद करते हुए छात्रों को ज्ञान भी देंगे। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की इस पहल से विद्यालयों का विकास होने के साथ ही छात्रों का भविष्य भी उज्जवल होगा, उन्हें जरूरत की चीजें समय पर उपलब्ध हो पाएंगी और प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षा विभाग के लिए अनोखी पहल है। वहीं डीएम ने बताया कि अधिकारियों के सहायता से बच्चों को उच्च शिक्षा और जरूरत की चीजें मिल पाएंगी। जिलाधिकारी जी ने गोद लिया है और वे समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते हैं, आते रहते हैं बीच बीच में। और इसके अलावा जिला अधिकारी महोदय जी ने विद्यालय का विशेष ध्यान रखा है। इससे पूर्व में फर्नीचर की व्यवस्था की गई, चार दीवारी की व्यवस्था की गई और वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा रंग रोपण किया जा रहा है। हमें खुशी होती है और कि हमारे अधिकारी प्राथमिक विद्यालयों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और समय समय पे हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसमें देखिए, हम लोगों ने 115 स्कूलों को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिकारियों को दिया है और पिछले 2 वर्षों में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। पिछले वर्ष तक अधिकारी स्कूल में जाकर के शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, स्कूल की जो आवश्यकताएं हैं, उनमें भी अपना योगदान देते थे। इस वर्ष हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। जो अधिकारी योगदान दे रहे थे वो योगदान तो जारी रहेगा, उसके साथ साथ हम उन स्कूलों में असेसमेंट भी करवा रहे हैं। तो इस वर्ष का जो असेसमेंट है वो डाइट के माध्यम से कराया जा रहा है। जिस दिन अधिकारी स्कूल में जाएंगे उस दिन वहां पर वो बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। भारत में कहीं भी कोई भी आपदा ये हो तो भारत के लोग मदद के लिए अपने आगे हाथ जो है वो आगे बढ़ाते हैं। वही इन दिनों पंजाब प्रांत प्राकृतिक आपदा का शिकार है, जिसके चलते सितारगंज के गुरुद्वारा गुरु का ताल ने पंजाब के लोगों को मदद पहुंचाई है। संस्था की तरफ से चंदा एकत्र कर लोगों को सहायता पहुंचाई गई है। वही लोगों ने सहायता कर एक विशेष खुशी प्राप्त की। संदेश सिखों को देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जहाँ पे आपदा आएगी सिख वहाँ पर पहुँचता है और सिख सेवा करता है। यहाँ तो चलो सिख समाज ज़्यादा है वहाँ बहुमूल्य, लेकिन जहाँ सिख नहीं भी होते सिख वहाँ भी पहुँचता है। आज यहाँ सितारगंज से नगद पैसा भी और गेहूँ धान जो भी वहाँ की जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से यहाँ से लादा गया है माल और इनको भेज दिया गया। कुछ लोग यहाँ संगत सेवा करने के लिए भी जा रहे हैं साथ में।
और हो सकता है थोड़े दिनों बाद फिर और संगत जत्था यहाँ से जाए। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में 9 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए प्रशासनों के पुख्ता इंतजामों के बीच छात्र छात्राओं ने अपने नामांकन करवाए। वहीं पुलिस ने नामांकन के दौरान किसी भी बाहरी तत्व को कॉलेज परिसर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी। उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद कहा कि अगर चुनाव में उन्हें जीत हासिल होती है तो अब महाविद्यालय के सुधार के लिए कई तरह के कार्य करेंगे। वहीं चुनाव अधिकारी का कहना है कि नामांकन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई अराजकता की घटना नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और इस संबंध में हमारी जो है प्रशासन और पुलिस प्रशासन और महाविद्यालय की विभिन्न कमेटियों के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसमें संभावित उम्मीदवार और थे उसमें उनको भी लिंग दो की संस्कृतियों के संबंध में पूर्ण जानकारी दी गई। प्रत्याशी हैं यहाँ LBS डिग्री कॉलेज के, इनका आज ये जो नामांकन है, नामांकन में हर जो प्रत्याशी है उसके साथ हमने फोर्स लगा रखा है, किसी प्रकार की भी अराजकता नहीं करने दी जा रही है इनको और समझाया भी जा रहा है, माइक से अनाउंसमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। आउटसाइडर्स जो हैं उनको स्ट्रिक्टली हमने इन लड़कों को भी मना किया है कि आउटसाइडर्स को अपने साथ बिल्कुल ना लें। अध्यापकों को भी कहा है कि आउटसाइडर्स कोई आसपास न हैं तो हमें आप बताएं। यमुना घाटी में पत्रकारों और समाज सेवियों से मिलकर बना जय हो ग्रुप बटकोड में बच्चों को प्रोत्साहन का कार्य भी कर रहा है। लगातार सामाजिक सरोकारों की आवाज बुलंद करने वाले जय ग्रुप ने आदर्श विश्वविद्यालय बटकोड से बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता कराकर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए भी एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। कार्यक्रम को बच्चों के बीच उत्साहित बनाने के लिए यमुनोत्री विधायक के हाथों प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही जय हो ग्रुप द्वारा बड़कोट में आधार कार्ड बनवाने को लेकर भी संज्ञान कराया गया। ग्रुप अपने आप में विशाल फेस कर रहा है, जिसमें केवल ग्रुप के सदस्यों द्वारा ही चंदा इकट्ठा कर समाज के असहाय लोगों की मदद की जाती है। समाज के हर उससे तबके से जुड़े हुए हैं और अगर इस तरह से भी एक ग्रुप बना है तो उससे भी स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो हम सबका मिलकर के जो जागरूक लोग हैं समाज के, उन सबका उत्तरदायित्व है कि हम किस तरह से जो है समाज की समस्याओं का निराकरण करवाएं और सरकारी विभागों के बीच में कैसे जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए कैसे सामंजस्य स्थापित करें, तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं तो स्वाभाविक रूप से जुड़ा हूँ, कोई भी ग्रुप हो जो इस तरह सामाजिक काम करता है। हरिद्वार के भेल बैरियर नंबर 6 और रावली महमूद के स्थानीय लोगों ने रोड पर जमकर हंगामा किया और रानीपुर विधायक के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बताया जा रहा है कि रावली महमूद की मुख्य सड़क का काफी दिनों से निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों ने प्रदर्शन किया और वहीं निर्माण कार्य जल्दी न कराए जाने पर भूख हड़ताल तक की चेतावनी दी। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, पटना, बिहार समेत पूरे भारत में गणेश महोत्सव की धूम मची है, तो वहीं हल्द्वानी शहर भी गणेश महोत्सव की धूम और गणपति बप्पा मोरिया के नारों से गूंज रहा है। हल्द्वानी में जगह जगह गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला में वैश्य महासभा द्वारा गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने शिरकत की, तो वहीं पटेल चौक में 16 वर्ष पूरे होने पर गणेश महोत्सव को काफी धूमधाम से मनाया गया। पटेल चौक में भजन संध्या पर माया उपाध्याय द्वारा गणेश बन्ना को बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिससे सभी भक्तों ने पूरा आनंद लिया। वहीं प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित गणेश महोत्सव में बाहर से आए कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। और वहीं किच्छा कोतवाली के लालपुर गांव में गुरुवार को सूदनाथ चुका पाने के चलते एक बुजुर्ग फांसी पर झूल गया, पर जिन्होंने आनंद फानन में बुजुर्ग को फांसी के फंदे से उतार कर किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र शिवालिक नगर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पेड़ से लटकता मिला, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और हाई कोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन की टीम ने हकीमपुर तुर्रा गांव में तालाबों की जमीन पर कब्जा कर बनाए हैं गए करीब एक दर्जन मकानों को जेसीबी से ढा दिया है। कार्रवाई के दौरान लोगों के विरोध की आशंका के मद्देनजर मौके पर एसडीएम भगवानपुर के अलावा भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। एसडीएम संतोष कुमार पांडे का कहना है कि तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए सभी मकानों के टूटने तक अभियान जारी है। तुर्रा में बनी उच्च न्यायालय का एक कलेक्टेंट हुआ है उसमें जिसमें कि तालाबों पर बने हुए बढ़ाया जाना था उनको अभी तक हटाए नहीं गए थे। उनमें तालाबों को वहीं न्यायालय ने आदेश दिया है कि उसको खाली करके उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उसी के रिगार्डिंग उनको नोटिस दिए गए कि आपत्तियाँ आई उसकी सुनवाई की गई और इसकी पूरी तरह से फरमाइश करा के तहसीलदार साहब से गई। और उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा वंचित और इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए जिले में अभियान लगातार चलाया जा रहा है जिसमें दिनेशपुर थाना पुलिस और सोजी टीम ने दिनेशपुर के कालीनगर बाजार में हुई चोरी के मामले में फरार चल रहे 2500 के इनामी बदमाश सलीम को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में SSP बरिंदर सिंह जीत सिंह ने करते हुए कहा कि 26 जून 2017 को चावल चोरी की घटना का मामला दर्ज किया गया है। चावल चोरी का केस सामने आया था जिसमें एक अभियुक्त अमीर गिरफ्तार हो गया था जिससे चावल भी बरामद हुए थे और मौके से दोनों फरार हो गए थे। उसी में से जो एक अभियुक्त सलीम था जो नहीं पकड़ा गया था उस पर 2500 का इनाम जिला पुलिस द्वारा डिक्लेयर किया गया था। जो इनामी अपराधियों को पकड़ने का अभियान है उसके तहत SOG द्वारा इसको कल दिनेशपुर थाने में ट्रेस किया गया और दोनों की कंबाइंड टीम द्वारा इसको अरेस्ट किया गया। राजधानी धूम में विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान प्रेमनगर से शुरू हो गया है जिससे पहले प्रेमनगर थाने में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई और कार्रवाई से पहले राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पैमाइश एवं चिन्हीकरण किया जिसके बाद अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले उन दुकानों पर JCB का पीला पंजा चलाया गया जिसको पिछले साल अतिक्रमण अभियान के चलाकर प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था लेकिन फिर से उसी जगह पर वापस लोगों ने दुकानें लगा दी थी। इंटायर सिटी में जो है विभिन्न इलाके में हम अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहे हैं जिसमें जो है चार जोन्स में जो है लास्ट ईयर जैसे बांटा गया है सेम जो है प्रक्रिया से जो है हम इस बार भी कर रहे हैं। तो आज जो है फिलहाल चिन्हीकरण का कार्रवाई जो है चल रही है प्रेमनगर एरिया में। इसी प्रकार का आगे भी जो है पूरा चिन्हीकरण के उपरांत प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हम अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और पौड़ी में राजकीय गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में घुड़दौड़ी के दौरान हुई छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ने लग गया है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटी की कमी और पहाड़ों में लचर स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप लगाते हुए कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज परिसर का घेराव करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में बुनियादी मेडिकल सुविधा होती तो छात्रा प्रियांशी की जान बचाई जा सकती थी। कॉलेज के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क तक नहीं है और ना ही मेडिकल फैसिलिटी का कोई एक्सपर्ट कॉलेज में मौजूद है। इमीडिएटली हम लोग उसको पौड़ी लेके गए बट पौड़ी पहुंचे हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हुई। परिसर में एक परमानेंट डॉक्टर की फैसिलिटी होनी चाहिए। वहां पर हमारे पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है जैसे कि हमारे पास वहां पर टिटनेस का इंजेक्शन तक अवेलेबल नहीं है और जो हमारे बेसिक सुविधाएं रहती हैं जैसे बुखार की गोली कोल्ड की गोली कुछ नहीं है उधर पे। आप जाइए वहाँ पर कोई किसी से भी पूछे कितने बच्चे आते हैं उधर पे हमेशा हमको यहाँ से पौड़ी आना पड़ता है और पौड़ी में भी लगभग चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए KNews India के साथ।